नाजरीन, जदीद जेल के अंदर इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बना दिया गया। अस्पताल में LCD की फैसिलिटी भी मौजूद। अस्पताल के अंदर TB का अस्पताल भी अलग से बना दिया गया। क्या वाकई ये सारी फैसिलिटीज जेल के अंदर मौजूद हैं? देखते हैं इस वीडियो में। अब हम जो हैं वो जेल के हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और पहले जो हैं वो यहाँ पर जेलों में ये सहूलियात मौजूद नहीं थी, और अब देखें जेलों में सहूलियात इतनी ज़्यादा हैं कि इतना अच्छा हॉस्पिटल है कि लग ही नहीं रहा कि ये जेल का अस्पताल है। यहाँ पे बाकायदा अगर आप देखें तो बेड भी हैं, और हम अंदर भी चलते हैं और अंदर भी देखते हैं कि अंदर पेशेंट्स भी हैं और किस किस चीज़ के पेशेंट हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल है और बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है। बाकायदा LCD लगी हुई है, फैंस लगे हुए हैं, सब जो हैं वो अपने अपने उसमें जिसको जो जो मसला है उस मसले के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे कामरान साहब ये बताएं कि यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं इन सब के टेस्ट वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, जब यहाँ पे आते हैं बेसलाइन टेस्ट हैं आते ही इनके करवा लिए जाते हैं, जिसमें उनके हेपेटाइटिस हो गया, CBC हो गया, वो हम कर लेते हैं। फिर बाद में जब ये पेशेंट्स मेच्योर होते हैं अकॉर्डिंग टू इनकी जो बीमारी है उसके हिसाब से इनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अच्छा, फिर मुझे ये भी बताएं कि जो सीरियस पेशेंट होते हैं जो यहाँ पे जिनका ट्रीटमेंट नहीं होता वो फिर आप हॉस्पिटल में भेज देते हैं? हाँ जी, उसमें ये है कि हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं उनकी आफ्टर कंसल्टेशन बाहर उनको कॉल की जाती है, बाहर के जो हॉस्पिटल के जो स्पेशलिस्ट हैं वो आते हैं, और अगर वो उनको कर दें रेफ़र कर दें बाहर और उनका इलाज यहाँ पे मुमकिन ना हो तो उन्हें फौरी तौर पर यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाता है बाहर के हॉस्पिटल्स में। और यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, 2 दिन के वक्त होते हैं और 1 रात के वक्त होता है, यानी 24 घंटे यहाँ पे डॉक्टर्स की फैसिलिटी मौजूद है। 24 घंटे फैसिलिटी मौजूद होती है। हम यहाँ पेशेंट से भी पूछते हैं कि ये यहाँ पे किस लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? मैं यकम जून को आया था यहाँ पे। और किस मुकदमे में आए हैं? मैं 324 में आया। 324, ये कौन सा मुकदमा होता है? जी ये फायर लगाया। किस कौन सा? फायर भाई ने मारा था और मुझे मतलब SHO साहब ने मेरे ऊपर पर्चा दे दिया। मैं बड़ा भाई हूँ, घर में अकेला था तो वो मुझे उठा के ले गए। डिसेबल हूँ दोनों टांगों से, और जिस दिन से मैं इधर आया हूँ मेरे साथ बहुत अच्छा रवैया है उन्होंने इख्तियार किया। हालांकि मुझे कहीं और भी भेज सकते थे किसी चक्की हॉस्पिटल में, मुझे इसलिए भेजा है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, कोई मुझे तकलीफ ना हो। अच्छा, अब आपको क्या बीमारी? मुझे बीमारी पोलियो की है, उसके साथ दमे की भी थोड़ी बहुत शिकायत है, जिसकी मुझे मेडिसिन वक्त पे मिल जाती है। यहाँ पे मेडिसिन मिल जाती हैं आपको, और आपको पोलियो की भी बीमारी है, तो अब यहाँ पर आपको कौन सा डॉक्टर है जो चेक करता है और कितनी दफ़ा चेक करता है? जी 3 दफ़ा तो डेली आते हैं भाई, मेडिसिन पूछते हैं। डॉक्टर साहब का नाम मेरे जहन में नहीं है, तो भाई आते हैं, ये 3 दफ़ा रोज़ाना बेसिकली आते हैं। 3 दफ़ा आते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप देखें ये कितना अच्छा जो है वो इन्होंने हॉस्पिटल जेल वालों ने बनाया है। VIP है ये हॉस्पिटल, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है वो जेल का हॉस्पिटल है। अगर हम अपने सरकारी हॉस्पिटलों में भी चले जाएँ ना तो वो भी इतने साफ़ सुथरे नहीं होते जितना साफ़ सुथरा ये हॉस्पिटल है। और यहाँ पर जितने पेशेंट आते हैं उन सबको टेस्ट किए जाते हैं, अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसका इलाज किया जाता है, डॉक्टर्स जो है वो यहाँ के इनको चेक करते हैं, और अगर जो यहाँ पर जो हैं वो ठीक ना हो सकें, जो सीरियस हों उनको आगे हॉस्पिटल्स में भी भेज दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है, और बाकियों को जो यहाँ पे मेडिसिन से या जो भी ट्रीटमेंट हो उन सब से जो है वो यहाँ पर उनके ट्रीटमेंट होते हैं। और अच्छा, इन लोगों की जो है इंटरटेनमेंट के लिए LCD भी लगाई हुई है ताकि यहाँ पर जो है वो TV देख सकें और जो है वो जो है अपने आप को इंटरटेन कर सकें। आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं वो आते हैं यहाँ पर तो किस किस बीमारी के? ये सारी बीमारी के लिए आते हैं। सारी बीमारी के लिए, बुखार है जो भी है पोलियो वाले, मुख्तलिफ जेलों से, दूसरी जेलों से भी इधर ही लाहौर शिफ्ट होते हैं। दूसरी जेलों से भी यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ये देखें। और यहाँ पर कितने मज़े से सुकून से सब सो भी रहे हैं। एक एक करके यहाँ पे सारे पेशेंट्स का चेकअप भी होता है, उन्हें मेडिसिंस भी दी जाती हैं, और यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये डिस्पेंसर हैं यहाँ के, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कासिम है जी। कासिम, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे मेडिसिंस इनकी जो हैं वो मंथली इनके पैकेट्स बनते हैं, इन्हें दी जाती हैं? मंथली नहीं दी जाती, इनको डेली बेसिस पे सुबह और शाम
जितनी प्रिस्क्राइब होती है ना प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक मेडिसिन दी जाती है, डॉक्टर की हदायत के बगैर कोई भी चीज़ नहीं दी जाती है। डॉक्टर जैसे बताता है कि इसको सुबह शाम देनी है, इसको दिन में 3 मरतबा देनी है, उसी हिसाब से इनको दवाई आके दी जाती है। रोज इनका ब्लड प्रेशर शुगर वगैरह सब चीज़ें चेक होती है? बिल्कुल, जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर के उनका 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मॉनिटर किया जाता है, अगर कोई बुखार वाला आ जाता है उसका बुखार चेक किया जाता है, और जो ड्रेसिंग वाले हैं उनकी ड्रेसिंग की जाती है, जैसा पेशेंट हो उसकी बीमारी के मुताबिक उसको डील किया जाता है। जैसा पेशेंट हो। और खाने का जिनका परहेज होता है? जी बिल्कुल, खाना इधर वैसे भी बहुत परहेज वाला और अच्छा मिलता है, और अगर कोई डॉक्टर साहब प्रेस्क्राइब करते हैं कि इसको चिली फ्री डाइट चाहिए, ठीक है, या इसको ऑयल फ्री डाइट चाहिए, तो उसके मुताबिक उसको फराम की जाती है। ठीक है, यहाँ पर मेडिसिन जो है वो रोज़ दी जाती है, और इनका ब्लड प्रेशर शुगर भी चेक किया जाता है, और खाने का भी अगर इनको डॉक्टर जो है वो जैसा कहते हैं उस तरह का खाना भी इन्हें यहाँ पर दिया जाता है। और क्योंकि ये जेल है तो उसके बावजूद यहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं कि मैं तो यहाँ के यहाँ पे सफाई हर चीज़ का ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। वो इनका मेन हॉस्पिटल था, और ये जो है ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ बाकायदा इन्होंने बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और यहाँ पर पेशेंट्स का इलाज होता है। आगे चलते हैं वार्ड में, और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पेशेंट हैं उनका जो है वो इलाज यहाँ पर कैसा हो रहा है, क्योंकि ये जदीद जेल है और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ है। और ये टीबी का इन्होंने हॉस्पिटल बनाया है जेल के अंदर, अलहदा से बनाया ताकि जितने टीबी के पेशेंट हैं बाकी लोगों को टीबी ना लगे और उनका ख्याल भी रखा जाता है। ये है जेल के अंदर टीबी हॉस्पिटल, और ये टीबी के पेशेंट हैं सारे, इनके यहाँ पे टेस्ट भी होते हैं, इनको मेडिसिंस भी दी जाती हैं, और बाकायदा डॉक्टर इनको चेक भी करते हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे LCD भी मौजूद है, और यहाँ पर पेशेंट्स को जो है वो चेक भी किया जाता है, इनके लिए कूलर भी लगाया गया है, और वॉशरूम्स भी अगर आप इनके देखें तो वो भी सामने से आपको नज़र आ रहे होंगे, वो भी कितने साफ़ सुथरे हैं। ये इनका टीबी का हॉस्पिटल बनाया है इन्होंने, ये जदीद जेल है, और यहाँ पर हर फैसिलिटीज़ इन्होंने कैदियों को इतनी अच्छी रखी हुई है कि कैदियों को जो है वो फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। यहाँ पर भी इन्होंने LCD लगाई हुई है, और ये इनका काउंटर भी है। डॉक्टर्स आते हैं, अब टाइम से इनको चेक करते हैं, इनको मेडिसिंस दी जाती हैं, इनके टाइमली टेस्ट और सारे इनके यहाँ पे करवाए जाते हैं, हाइजीनिक का भी ख्याल रखते हैं। टीबी ऐसी बीमारी है जो आप लोगों को लगती भी है, इसलिए इनका इन्होंने अलग-अलग से ही एक हॉस्पिटल बना दिया है। ये हॉस्पिटल की लैब है, यहाँ पर टेस्ट होते हैं। यहाँ पर हम पूछते हैं इनसे कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी शुएब नाम है मेरा। शुएब, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ये सारे टेस्ट होते हैं? जी, यहाँ पे ये सारे टेस्ट होते हैं, तकरीबन रूटीन के सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें CBC, LFT, RFT, हेपेटाइटिस B, C, HIV, ये सारे टेस्ट होते हैं। अच्छा, जब कोई यहाँ पर कैदी आता है जी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे उसका टेस्ट करते हैं? जी, सबसे पहले हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं मेडिकल की, क्या ऐसे TB तो नहीं, हेपेटेंसिटी, BP वगैरह, ब्लड प्रेशर, उसके बाद BEC, HIV टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सारे टेस्ट हैं, ये सब टेस्ट होते हैं, CBC का टेस्ट होता है, ये सारे A to Z यहाँ पे सब टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है वो जो कैदी है उसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो टेस्ट हैं उनकी मशीनरी भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर पेशेंट आता है, ये किस चीज़ की मशीन है? ये एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन है, आप उनका एक्सरे होता है? जी। कितने पेशेंट हैं यहाँ पर जो आते हैं जिनका आप एक्सरे करते हैं? जो डॉक्टर साहब जैसे रूटीन में लिखते हैं काफ़ी लोग आ जाते हैं तकरीबन। ये देखें जो जेल है वो कितना, हम वो ये कह सकते हैं कि जेल जितने ना वो सारे जो हमारा पहले जो जेल थे वो इतने जदीद नहीं थे, अब हम इनको जेल को जो है वो जदीद का नाम दे सकते हैं कि जदीद जेल हैंगे, मतलब इंटरनेशनल लेवल के हमारे जेल बन गए हैं कि जो कैदी हैं वो यहाँ पर आके बीमारियों का इलाज भी करवा सकते हैं अपना, और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। ये कौन सा रूम है हॉस्पिटल का? ये इमरजेंसी ही स्ट्रोक रूम है जेल का। इधर अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी हमारे पास आता है तो ये हमारे पास पल्स ऑक्सीमीटर है, इसके साथ हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर उसे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाता है, क्योंकि ये हीट वेव का दौर है आजकल, ठीक है, उसके लिए हमारे पास इधर आइस बॉक्सेस पड़े हुए हैं, इसके अंदर बर्फ़ मौजूद होती है, AC चल रहा है हमारा, कूलिंग है इधर, ठीक है,
जिससे पेशेंट के लिए रिलीफ दिया जाता है, ठीक। उसके अलावा पेशेंट आता है हमारे पास जिसको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, ये हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी वालों ने हमें तमाम इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, जिसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन है, उसके बाद ईसीजी मशीन है, ये कार्डियक मॉनिटर है और डिफिब्रिलेटर है, जिसकी मदद से हम पेशेंट की इमरजेंसी डील करते हैं। जिस जैसा पेशेंट आता है हमारे पास उसी वक्त डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं इधर, उसको डील करते हैं। ये देखा आपने, ये इनका है। इसके अलावा पेशेंट्स हैं हमारे पास इधर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वालों ने हमारे पास कैंप लगाया तकरीबन 27 मई से लेके 5 जून तक, उन्होंने इधर पेशेंट्स की हेपेटाइटिस बी सी एचआईवी टीबी इन सब की स्क्रीनिंग की है। और यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी मौजूद जी, ऑक्सीजन सिलेंडर है, पेशेंट को अगर सांस खराब है ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो उसी वक्त ऑक्सीजन लगाई जाती है, ऑक्सीजन भी लगाई जाती है। ये इनका हीट जो स्टॉक रूम था वो है, और यहाँ पर क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत तेज़ है, तो गर्मी की वजह से जब जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है उसके बाद धूप की वजह से उनको मसला होता है, तो यहाँ पर लेकर आते हैं और उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा ये जो एरिया है, जो शाम के टाइम पे जितने पेशेंट हैं वो यहाँ पर बैठते भी हैं, यहाँ पर वॉक भी करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पर आपको पता है मूड ज़रा कुछ और होता है वॉक करने का, चलने फिरने का, और पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सिटिंग भी है और यहाँ पर वॉक भी कर सकते हैं, और यहाँ पर एम्बुलेंस भी है, अगर जो है कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा जिसकी हालत सीरियस हो जाए, जो बिल्कुल जो है यहाँ पर जिसका ट्रीटमेंट ना हो सके, फिर उसको आगे डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं, तो फिर ये एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ से जो है वो हॉस्पिटल में भेज देते हैं। एमरजेंसी की हर तरह की यहाँ पे सहूलत मौजूद है, इन्हें हम जदीद जेल कह सकते हैं। ये हमारे इंटरनेशनल लेवल के जदीद जो है ना वो जेल हैं, जहाँ पर हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, हाइजीनिक का बहुत ख्याल रखा जाता है यहाँ पर। यहाँ पर इन्होंने एक मिनी हॉस्पिटल भी बनाया हुआ है, और यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं।